हफीज काफी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन आज आते जिस तरह उसने पहली बॉल पे फास्ट बॉलर्स को एक्स्ट्रा कवर पे छक्का मारा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्कोर बास टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इस तरह की एग्रेशन है ना, एग्रेशन नहीं जानी चाहिए किसी भी प्लेयर्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। सो पाकिस्तान ने एक और आज ज़बरदस्त कामयाबी पाकिस्तान को मिली, और जितनी भी तारीफ़ की जाए पाकिस्तान की कम है, जिस तरह लड़के खेले और बिल्कुल उन्होंने जो मोमेंटम था, जो जिस तरह इंडिया का जीते थे, ऐसा लग रहा था कि जिस तरह उन्होंने वहीं से कंटिन्यू किया, क्योंकि शाहीन ने जिस तरह पहला ओवर आके किया और वो मैडन था, तो ऐसा लग रहा था कि जिस तरह पाकिस्तान का टेम्पो वही बना हुआ है। और मैं आपको पाकिस्तान ने जो आज मैच में जो मैच जीता है उसकी मेन वजह जो ये मुझे लगी वो ये था कि इन्होंने 6 ओवर में न्यूजीलैंड को कहीं भी आपने ना स्कोर नहीं करने दिया, क्योंकि जी उनका 6 ओवरों में ना 40 स्कोर था, तो ये T20 में 6 ओवरों में 40 स्कोर कोई नहीं, हालांकि विकेट नहीं मिली, एक विकेट मिली थी, लेकिन इन्होंने कहीं भी न्यूजीलैंड को है ना स्कोर नहीं करने दिया, कहीं भी अपने उनके हाथ नहीं खोलने दिए, तो ये बड़ी चीज़ थी। और मैं इसी तरह पाकिस्तान जो ये मैच कह रहे हैं ना कि जी फंसा था 135 पे, कि लोगों को लगा कि जी एक टाइम एवरेज 9.5 की थी, उसकी भी वजह ये थी कि जी पाकिस्तान ने पहले 6 ओवरों में फ़ायदा नहीं उठा सके, कि रन्स नहीं कर सके, कि अगर दूसरी टीम का 135 है तो 6 ओवर में आप प्रेशर डाल दें। देखिए एक पाकिस्तान टीम है ना बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन एक बात है ना, मैं जो टीम वालों को मैसेज पास करना चाहूँगा वो ये है कि आप 6 ओवरों में 50 रन्स करें, बेशक 2 विकेटें गिर जाए, अगर आप T20 में प्रॉपर 6 बैट्समैन उसे खेलते हैं, अगर 6 ओवरों में आप 50-55 रन्स करते हैं, 2 विकेटें गिर भी जाती तो डजेंट मैटर, लेकिन आप मोमेंटम सेट कर देंगे। अगर पहले छः ओवरों में आपका 30-35 रन्स हुआ और आपकी विकेट कोई भी ना गिरी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप T20 में बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर सकोगे। लोगों ने आज बाबर आजम की शॉट को कहा कि जी बाबर आजम ने रैश शॉट खेल दी, मैं ये समझता हूँ कि जी बाबर आजम ने सही ट्राई किया था, कि जी स्कोर करने के लिए गया था ऊपर, और ये और भी स्कोर करने के लिए जाते, एक आधी विकेट और भी गिर जाती तो कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन हमने 6 ओवर को यूटिलाइज़ करना है, अगर हमने टूर्नामेंट जीतना है तो हमें 6 ओवर को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। और बाकी जो ये नीचे के हमारे बैट्समैन हैं, आज लोग कह रहे हैं कि जी हमारी मिडिल ऑर्डर नहीं चली, मैं सिर्फ इस चीज़ पे ये कहूँगा कि जी जिस तरह फ़खर ने आते ही छक्का मारा था, क्योंकि जी अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहा था, हफीज़ काफ़ी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन आज आते जिस तरह उसने पहली बॉल पे फास्ट बॉलर्स को एक्स्ट्रा कवर पे छक्का मारा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्कोर बास टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इस तरह की एग्रेशन है ना, एग्रेशन नहीं जानी चाहिए किसी भी प्लेयर्स में। आज पाकिस्तान के हफीज़ और फ़खर ने स्कोर नहीं किया, लेकिन आपको उन दोनों की एग्रेशन नज़र आई, ये एग्रेशन बड़ी ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद ये कि जी जिस तरह ये मलिक ने और आसिफ ने जिस तरह कंट्रोल लिया मैच का, कि आसिफ ने आके अपने उसी तरह शॉट्स मारी, और जिस तरह 3-4 छक्कों की हमें ज़रूरत थी वहाँ तेज़ खेलने की, तो वो बिल्कुल उसने उसी तरह आके खेला। अच्छा एक मैं कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूँ लोगों का, कि मैं आज लोगों को सुन रहा था कि जी सारी जगहों पे कि जी आसिफ का काम मैच को ख़त्म करना है, मैं सारे लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दूँगी कि आसिफ का मैच बिल्कुल मैच ख़त्म करना नहीं है आसिफ का काम। आसिफ का काम ये है कि जी स्कोर बोर्ड को तेज़ चलाना, कि जी स्कोर तेज़ करना, ये जो सा मैच ख़त्म करने का काम है ना, ये मलिक का और हफीज़ का काम है, क्योंकि ये दोनों सीनियर प्लेयर हैं, प्रॉपर बैट्समैन है, तो इन दोनों का काम है कि जी एंड पे खेलने, जो आज मलिक ने किया भी सही, मलिक भी खेल रहा था, मलिक ने भी स्कोर किया, लेकिन उसने आसिफ को अपॉर्चुनिटी दी, अगर आसिफ आउट हो जाता इसके साथ दूसरे प्लेयर आते तो फिर ये अपना चांस लेता, तो मलिक ने बिल्कुल सेंसिबल क्रिकेट खेली है, और हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। और लोग जो ये कह रहे हैं कि जी आज मैच थोड़ा सा फंस गया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, तो मेरी लोगों से ये राय है कि भाई देखो ये न्यूजीलैंड की टीम थी ना, ये टेस्ट मैच में भी, ODIs में भी, T20 में पहले 1 से 2 नंबर की टीम में यह आती है, ये टेस्ट मैचेस की टेस्ट चैम्पियन टीम है, ये कोई छोटी टीम नहीं है, क्योंकि जिससे आप है ना ये तवक्को करो कि सारे मैच इंडिया की तरह जी 10 विकेटों से जीत जाएंगे, जी आगे से कोई मजम्मत ही नहीं होगी, कोई मेरा मतलब है इसी तरह ही जीत जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है।
सो मैचेस इसी तरह अप एंड डाउन से जीतते हैं, और अप एंड डाउन में जो अपने नर्व्स कंट्रोल करते हैं तो वही जीतते हैं। इस मैचेस इसी तरह ही होंगे। और लेकिन मैं कहूँगा कि जी क्रेडिट हारिस रऊफ का अगर नाम ना लिया जाए, जितनी अच्छी उसने बॉलिंग की है। अच्छा मैं एक बात और बताऊँ, आज हारिस रऊफ ने 4 आउट किए तो लोग सारे उसकी तारीफ कर रहे हैं। पिछले जो इंडिया का मैच था उसमें एक टाइम ऐसा था कि जहाँ 170 लग रहा था कि जी इंडिया 170 कर्जेगा, तो वहाँ हारिस रऊफ ने उस दर भी 4 ओवरों में 22 से 23 रन दिए थे, जो आखिर के उसने ओवर किए थे जिसमें उसने हिट नहीं मारने दी थी, तो वो भी बड़ी क्रूशल बॉलिंग थी। तो ये सारे पाकिस्तान ने एज ए यूनिट बहुत अच्छा खेल रहा है, हर एक प्लेयर अपना रोल अदा कर रहा है, तो ये बेहतरीन चीज़ है जो पाकिस्तान कर रहा है। अगर इस चीज़ को कंटिन्यू करेगा तो ये पाकिस्तान वाला वर्ल्ड कप जीतना पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा।